अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेब साजिद और आप देख रहे हैं चेस टेक ट्यूब। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की पोन स्टोरेज को किस तरह 100 GB तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है 100% सच है, झूठ नहीं है, कोई भी ऐसे मतलब बकवास की ट्रिक्स यहाँ पे नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की फोटोज़ वगैरह मतलब आपकी जो फोटोज़ है वीडियोज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो कम्प्लीटली देख लीजिए, चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट की। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन की जिसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर 100 GB तक डाटा बढ़ा सकते हैं। एप्लीकेशन 100% सच है, कोई झूठ मूठ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर बताना चाहूँगा कि अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता है कि हमारे पास मतलब मैनुअली जो मोबाइल फ़ोन के बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं गूगल ड्राइव जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हम अपने फोटोज़ वगैरह सेव करते हैं, वीडियोज़ और कुछ भी मतलब कुछ भी अगर हम चाहें तो वहाँ पर सेव कर सकते हैं। बट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे आपको सिर्फ 15 GB का स्टोरेज मिलता है, जहाँ पे अगर आप फोटो वगैरह अपलोड करोगे कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो फाइल्स है वो अगर आप अपलोड कर देंगे तो आपका जो स्टोरेज है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऐसे फुल भर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप मतलब इस तरह की फाइल्स अपलोड करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन की मतलब ये एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करें, ईमेल आईडी से आप लॉग इन करें। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको 100 GB तक बैकअप देता है। 100 GB तक आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी तस्वीरें हैं, वीडियोज़ वगैरह है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। इसमें जो मतलब तस्वीर वगैरह है वो अगर आप किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अपनी ईमेल आईडी लगा लेंगे तो आप दूसरे मोबाइल फ़ोन में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये आपके सिर्फ इसी मोबाइल फ़ोन तक महदूद नहीं है, आप अपने जो मतलब आपकी जो इंपॉर्टेंट तस्वीर है, जो इमेजेस है, जो पिक्स है, जो वीडियोस वगैरह है, आपकी जितनी भी फाइल्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सभी आप अपलोड करें इस एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन में जैसे अपलोड करेंगे तो अगर आपके पास ये एप्लीकेशन ना भी हो तो भी आपका डाटा हमेशा के लिए सेव रहेगा, मतलब जो गूगल ड्राइव पे लोग करते हैं। इसी तरह ये भी एक ड्राइव है जिसको मतलब बाकी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। चलते हैं देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, किस तरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह ये काम करता है। चलिए स्टार्ट करें। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना है। दोस्तों प्ले स्टोर में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने सर्च बार में लिख देना है डीगो ड्राइव, या डीगो आपने लिख देना है तो यहाँ पे इस नीचे आपको सामने आ जाएगा 100 GB फ्री डीगो क्लाउड ड्राइव। तो ये आपके सामने आ जाता है 4.5 है इसकी रेटिंग है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है प्ले स्टोर पे। 23 MB का फाइल है जो कि मेरे ख्याल में इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर देते हैं। मैं इंस्टॉल कर भी सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया ताकि आप लोगों को ठीक तरह समझा सकूं। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसमें जो इसका जो इंस्टॉलेशन है इसमें। तो यहाँ पे 47 तक पहुंच चुका है 63, और इसकी इंस्टॉलेशन तकरीबन जारी है, अभी इंस्टॉल हो जाएगा 6 मिनट में। तो एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल कर हो जाता है तो हम इसको ओपन कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसका इंटरफेस कैसे है और किस तरह ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे सामने ओपन आ रहा है तो इस ओपन पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कि आप किस ईमेल से लॉग इन होना चाहते हैं। अगर आपका कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ से लॉग इन हो सकते हैं, और अगर आपका नहीं है तो आप सिंपली गूगल क्रोम में जाके यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी बना सकते हैं। तो ईमेल आईडी वो होता है जो कि नॉर्मली प्ले स्टोर पे होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहा है साइन इन विद गूगल, तो मैं अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन हो जाता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पे हमसे कुछ परमिशन मांग रहे थे, अगर आप अपनी फोटोज वगैरह की परमिशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से परमिशन दे, और इसके बाद यहाँ पे वीडियोज वगैरह की भी परमिशन यहाँ पे जो है आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा प्लस का आइकन, तो इसकी प्लस की आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं। प्लस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा अपलोड फाइल। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो एसडी कार्ड है वो भी आ जाता है, आपका जो फोन स्टोर है ये भी आ जाता है। मतलब यहाँ से आप अपने तमाम जो फोटो वगैरह है इसको अपलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। और इसके अलावा न्यूज पेज यहाँ पे आ जाता है, तो न्यूज पेज में आपकी जितनी भी तस्वीर है वो आपके आ जाएंगे, और आपके मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी तस्वीर हो वो आ जाएंगे। उनमें से एक एक भी अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं बड़े आसानी से। तो एक एप्लीकेशन है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 100 GB तक बैकअप आपको देता है। तो आपने इसको इंस्टॉल कर देना है लाजमी अपने मोबाइल फोन में, अपनी फोटोज वगैरह को संभालने के लिए, अपनी फोटोज वगैरह की हिफाजत के लिए। तो काफी अच्छी सी वीडियो होने वाली है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।